बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं सब क्लियर से होंगे। जहाँ रहे खुश रहे, हमेशा से मुस्कुराते रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ शादाबाद रहे हैं। इस मेरे के साथ आज का व्लॉग का आगाज़ करते हैं। आज ही हमारा मेन्यू है आलू वाला पुलाव, चावलों वाला आलू में आलू और चावलों का पुलाव बनाएंगे। इसके लिए मैंने प्याज ऊपर चढ़ा दिए हैं, चावल गीले कर दिए हैं, आलू जो है उन्हें काट वाट के रख लिए हैं, अभी धोने वाले हैं, वो भी अभी धो लेते हैं। साथ में मैंने चाय रखी है, तो इतनी गर्मी में चाय भी हम ज़रूर पियेंगे, तो उसमें भी पत्ती शक्ति डालते हैं। आप बताएं आपके वहाँ का मौसम कैसा है? हमारा तो अभी गर्म ही है, मतलब अच्छा गर्म तो नहीं है, आज कुछ फ़र्क ही रहा है, हल्की फुल्की सी हवा चल रही है और इधर उधर बारिशें भी बहुत सुनाई दे रही हैं कि बारिशें बहुत हुई हैं। तो रुशे बाजी आ गई हैं केला खाते हुए और बहुत बड़ा ठूस के खा रही है केला। कम से खाते हैं ना रुशे, ये क्या हुआ? मैंने नहीं खाना, नहीं ये ले फिनिश करो। यस ओह ओह देखा मुँह देखे रुशे का। तो अभी इसमें चाय में चीनी पत्ती डालते हैं और हम जो है ना साथ में अपने चावलों का भी ख्याल रखते हैं। चावलों का रंग ज़रा हम ज़्यादा गहरा करेंगे कि आज के चावल जो हैं वो मसाले वाले बना रहे हैं हम, मिर्च मसाले वाले, क्योंकि आलू डल रहे हैं तो मिर्च मसाले वाले चावल जो है ना वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आज सादा चावल नहीं बनाएंगे, साथ में हम दही का रायता बनाएंगे और सैलड बनाएंगे, तो जैसे जैसे हम बनाएंगे हम आपके साथ शेयर करेंगे। टमाटर और लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने डाल दिया, इसको बच्चे से इतने ज़्यादा इतने बैठो प्याज किए थे कि आपका रंग आ जाए इन चावलों में। अब इसको भून के फिर उसमें डालेंगे मसाला। चावल जो है वो चटपटे से बनाएंगे, चावलों आलू वाले चावल में बिरयानी का टेस्ट देना है आज हमने। सही जाओ रूशी को देखो, फुल लैग नहीं नहीं वो ऊपर चली जाएगी, वो फुल लैग और रूशी जो है छत के किनारे पे जा पहुंची है। यानी का सब जरिया मुलाकात है, तुझसे कुछ ना कुछ बना के आप सबसे मुलाकात की जाए, जो भी कुछ बनाएंगे तो वही हाजिर हो जाएंगे। जाओ सही डूडल डब्बा लेकर आओ, चाय भी साथ साथ चाय भी हम बना रहे हैं अपना सर दर्द का इलाज। मम्मी वो देखो रुशे को, रुशे नहीं करो उसकी बुक्के ना खराब करो, रुशे सही की बुक्कों में घुस गई है, इसका काम है स्कूल का छुट्टियों का, ये नहीं देखते, छोड़ दो नहीं करो मुझे इसमें फुक पा दो। हल्दी कुछ लोग जो है इनको हल्दी नहीं चावलों में पसंद, वो नहीं डालते, तो हम जो है वो डाल लेते हैं हम हल्दी भी चावलों के अंदर। अभी हमें आपको पूरा अपना तैयार करके दिखाना है कि हम कैसे चावल बनाते हैं। पहले मसाले वाले चावल मैंने नहीं आपको बना के दिखाया, आलू वाले अभी मैंने कहा आज मुकम्मल तरीके से हम अपना तरीका आपको साथ शेयर करते हैं कि हम अब इसको अभी अच्छे से भून के तो इसके अंदर आलू धो के डाल देते हैं कि हम कैसे चावल बनाते हैं। जैसे आलू जो मैंने धो के रखे हुए हैं उसको पानी में से निकालेंगे। बिस्मिल्लाह और इनको भूनेंगे थोड़ा सा, थोड़ा सा भून के तो फिर इसके अंदर हम अपना जितने चावलों में पानी लगाना है वो लगा लेंगे। तो अभी हम भूनेंगे जी हमारे आलू भून, इनको अच्छे से दो तीन दफ़ा मैंने
इसको अच्छे से भून लिया था। इसमें डालेंगे ये चावल का पानी, इतना को हमें ज़रूरत होगा, ज़रूरत है हमारे तक चावल का पानी। आलू में भी गलना है और चावल का पानी साथ में। मैंने हरी मिर्ची और धनिया काटा है और उसको भी धो लिया, तो उसको भी इसके अंदर डाल देंगे। तो अब इसको चावलों को धोने के लिए भेजते हैं। ये लो, ये दो किलो है ना। तो चावल जो है अब दम पे आ गए हैं, इसको मैं दम लगा देती हूँ। माशाल्लाह से बड़ा ही अच्छा कलर आया है और आलू भी जो है इंशाल्लाह गल जाएंगे और चावल भी का पानी खुश्क हो गया है। चावल का पानी खुश्क हो गया है तो इसको हम अभी तंदूरी से दम लगाते हैं। तो साथ भी जी मैंने सैलड काटना है, अभी मैं सैलड भी काट लेती हूँ और साथ में रहता का धनिया पुदीना और हरी मिर्चें मैंने जो गला काट के रख ली हैं तो उसको हम ऐसा करेंगे कि ग्राइंड कर लेंगे कि उसको रायता बनाना है। ये अच्छी चावल को दम थोड़ा सा मुझे झुकना पड़ जाता है क्योंकि काउंटर वाउंटर अभी हमारा रेडी नहीं हुआ, पता नहीं कब तक रेडी होगा इसका पता नहीं है अभी मुझे। रहते का धनिया और पुदीना मिर्ची मैंने काट ली थी तो उसका भी पानी में गिला करके रखा हुआ था, तो अब इसको निकाल लेते हैं पानी में से क्योंकि हमारा पानी का इंतज़ाम भी नीचे है तो हमें पानी भर के ही रखना पड़ता है और भर के पानी हम इस्तेमाल करते हैं। ये है जी धनिया पुदीना और हरी मिर्च। अब इस तरह करते हैं जी, मैं साथ में सैलड भी काट लेती हूँ और साथ में जी मैं ज़मीर के लिए आलू शोरबा बनाऊँगी। आलू के शोरबा बना के उसके लिए रखना है कि बाकी सब तो रहते एक साथ खुश होकर चावल खा लेते हैं मिर्चों वाले, लेकिन जो है ज़मीर वो शोरबे के साथ ही खाता है, तो उसके लिए मैंने अभी थोड़ा सा साथ शोरबा बना लिया। अपन जो लाइट दबा ले बच्चे तो जी जनाब हमारा आलू का पुलाव हो गया तैयार, साथ में मैंने रायता भी तैयार कर लिया है और सैलड भी तैयार कर लिया आपने देख लिया और आलू का शोरबा भी तैयार करी, वो मैंने साथ नहीं डाल के रखा क्योंकि मेरा मायने तो ये था। तो इंशाल्लाह आपको ये पसंद आएगा और खाएं और ट्राई करके बताएं। तो बहुत सादा सा है आलू का पुलाव और मज़े का है, तो इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। तो कल के लिए दे दी इजाज़त, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट में बताएं कि जब हमारा काम ख़त्म हुआ है तो हवा भी चल पड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। जी कल के लिए दे इजाज़त, मैंने कहा ये भी आपको बता दूं कि हवा चल पड़ी है, तो कल के लिए दे दी इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।